हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम है। दोस्तों जीत मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तो यार वो इमोशनल हो गई थी। तवाइफ जो लड़की है साधना भाभी, वो बहुत गुस्सा रो रही थी और जॉनी लीवर भाई उनको मतलब हौसला दे रहे थे, मत रो, तवाइफों का इश्क नहीं होता। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखा काजल, दोस्ती और शराफत की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी? आजकल के जमाने में तो कहीं नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रमा वो वादा नहीं भूला जो राजू की मां ने तुम्हारी मां से किया था। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, ठंडे दिमाग से। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा। काजल, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूँ। वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो है कौन? आप उसे जानते हैं, उसका नाम करण है। कौन करण? आपने उसे देखा भी है पापा, वही करण जो एक दिन मौत का साया बनकर हमारे सर पर मंडराता था। आज हम उसी का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलने की कसम खा चुके हैं। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम उससे प्यार? पागल हो गई तुम? पापा प्लीज, हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या बताना चाहती हो कि समाज में उसकी क्या जगह है? वो शराफत के माथे पर एक कलंक, दूसरों को बेइज्जत करने वाला एक जंगली जानवर, जहर से भरा एक जहरीला सांप, एक मुजरिम। वो मुजरिम नहीं रहा पापा, बुराई छोड़ चुका है। उसने ये सब हमारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए। हमने उसे नई जिंदगी दी है। गटर के गंदे पानी में अगर पूजा के फूल मिला दो तो वो गंगा जल नहीं बन जाता? गटर का गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है पापा। करण पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन चुका है। दुनिया के जुल्म और नफरत ने उसे अंधेरों में गिरा दिया था, हमारी मोहब्बत वापस उसे रोशनी में ले आई है। नहीं, ये नामुमकिन है। जीते जी मैं तुम्हें उस आग में नहीं कूदने दूंगा। आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। But I love him, पापा, I love him. उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ, हमें कैसे जीना है, किससे प्यार करना है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मौत को गले लगाना चाहती हो? छोड़ दो उसे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। मैंने तुझे हर रिश्ते से आजाद किया। इस बदनसीब विदाई के वक्त तुझे हर वो अधिकार दिया जो तेरे बाप के चेहरे पर काली पोतने वाले करण को खुश कर सके। हर वो अधिकार जिससे तू अपने गुरु, अपने बाप, अपने हर 15 मिनट में इनका बीपी चेक करती रहना। यस डॉक्टर। तुम वार्ड पे जाके देखो। काजल, इट वाज अ मेजर हार्ट अटैक, बट वी आर लकी कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए। बट यू डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तुम जाके उनसे मिल सकती हो। पापा प्लीज, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके बिना जी नहीं सकते।
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही हमसे रूठ गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे पापा, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा पापा हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अंजल, काजल बेटी रो मत, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वाह यार, अच्छा समझी है, शादी की तैयारी करने के बजाय यहाँ आराम फरमा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? राइट डैड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा अंकल। पाए लागू अंकल, अभी तो आपको मेरी शादी में भांगड़ा डालना है। क्यों काजल, कब लेके आऊं बारात? क्या हुआ? हाँ दीदी, है ना क्या हुआ? उसकी शादी है ना। काजल, तुम क्यों आए हो यहाँ? पापा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह गया। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी पापा जी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी, तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं रहा बापू जी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबू जी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहां से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहां से, दोबारा यहां कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूं, हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। काजल,
ये तारा सिंह अभी हमारी हमदर्दी ना तारा सिंह के लिए भाई, क्यों ये लड़की ऐसा कर रही है? प्यार किया, वादा किया सबके सामने कि नहीं छोड़ूंगी तुम्हें कभी, और उसको पहले डराया भी था अगर मुझे कोई ले गया तो फिर क्या करोगे। और तारा सिंह ने उसी वक्त भी ट्रेलर दिखाया, लाशें बिछा दूंगा, फिर भी देखो ये इस तरह उसको गुस्सा होकर बोल रहे। गुस्सा तो नहीं करो ना, प्यार से समझाओ उसको, अलग साइड में लेकर बताओ भाई मैं, मेरा बाप जो है हार्ट अटैक आ गया उसको, उसके लिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। तो वो तारा सिंह समझ जाता, वो बेचारा इंसान बन गया है, अब ऐसे झूठ बोलकर गुस्से में बोल रही है, नहीं करती क्या रिश्ता है, फिर तो भाई अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाएगा। और मैं पूरा सपोर्ट है तारा सिंह पर। सल्लू भाईजान तो अचानक आ गया है, भाईजान तो अचानक से आ गया है, उसका तो आसपास हमें पता ही नहीं था वो भाई क्या है, पर तारा सिंह का ये अच्छा रिएक्शन है भाई, मुंह पर बोल दिया, साइड में आकर भाई कमरे में समझा दी बैठा कर, भाई अभी नहीं हो सकता हमारा आपस में मेल, तो समझ जाता तारा सिंह अभी वो अच्छा बंदा बन गया है, शरीफ बन गया है, तो वो समझ जाता। पर इनका क्या करें, ये लड़की उसको आके दिखा रही है ऐसी और उल्टा बोल रही है, तो भाई तारा सिंह को तो बात लग गई भाई, क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत करता है।